हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो गाइज, आ चुका हूँ कि और एक सिंगापुर गेम प्ले लेके। तो गाइज, इस वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यू टॉप 5 मैच दिखाऊंगा। और गाइज, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मेरा जो ट्रान है गाइज, सिंगापुर में हम लोग कैसे ऑल टाइम ट्रान को हम लोगों के पास लेकर आ सकते। तो गाइज, इस वीडियो आप लोग देख ले। और यहाँ पर मैं 5 गेम प्ले किया, 5 ब्रेक में मेरा 4 ब्रेक आया था, ठीक है। तो गाइज, कैसे आप लोग लेकर आ सकते हो तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, आप लोग सिंगापुर में ब्रेक लगाने के लिए नहीं होता है। तो गाइज, ये क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड लोग है ना, तो जो गलती करता है कि जो वो सिंगापुर गेम प्ले नहीं करता है और वो प्ले कर लेता है, वो मुंबई केएल के जो 5 से 6 लाख बना लिया, फिर क्या करता है कि बड़ा वाला गेम प्ले स्टार्ट कर लेता है। तो ऐसे गेम प्ले करोगी तो आपका कॉइन नहीं होगा। तो आप 10 लाख बना लिया है तो क्या कर, बहुत सारे फ्रेंड लोग क्या करता है कि गेम प्ले जो सिंगापुर वाला स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पर आपका कुछ फ़ायदा होगा यार, तो ओपोनेंट को ब्रेक मिलेगा तो वो तो ब्रेक टू फिनिश कर लेगा। और इतना ये प्रो भी नहीं हो कि आप ब्रेक लगा पाओ। और यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा कॉइन कितना है यार, अभी मेरा 1 करोड़ होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करके देखना गाइज। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइज, आप लोग जो गलती करते हो तो क्या गलती करते हो, तो सबसे पहले आप लोग ब्रेक करने के बाद क्या करते हो, बहुत पावर डाल के स्ट्राइक को मारते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका लास्ट में जो पाक रहता है तो ये पूरी तरह से फंस जाता है। और यहाँ पर आपको पुट करने के लिए नहीं होता है, फिर क्या होता है कि आपका मैच जो है हाथ से चला जाता है। तो ऐसे गेम प्ले करोगी तो आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आप इतना प्रो नहीं हो तो आप मुंबई गेम प्ले कर लो। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि जो आप बहुत ही आसानी से आपका लेवल वाला जो प्लेयर है ना, वो लोग मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही आसानी से 5 से 6 मैच को विन कर सकते हो। तो 10 मैच गेम प्ले करोगी तो आप कम से कम तो 7-8 मैच को विन कर सकते हो। ऐसे आप लोग 2-1 साल गेम प्ले करना है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि गाइज लुलू है तो हम लोग मुंबई गेम प्ले कर लेते हैं, मुंबई क्यों सिंगापुर गेम प्ले कर लेते, तो ये गलती नहीं है यार। आप ब्रेक नहीं लगा पाओगी तो आप कभी भी अनलिमिटेड कॉइन तो उसके बारे में सोचो भी मत। और यहाँ पर देखो कि ब्रेक कैसे लेकर आना है। तो गाइज, मैं अभी स्ट्राइकर को चेंज कर रहा हूँ। तो गाइज, ये वीडियो आपको हेल्पफुल कुछ भी लग रहा है तो गाइज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे टिप्स एंड टिप्स मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ऐसे ही अपलोड करते ही रहूँगा। तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, तो जितना सपोर्ट किया अच्छा है, लेकिन गाइज और भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो कि अभी देख लेते हैं कि किसका ब्रेक आता है। तो कभी कभी ओपोनेंट के पास चला जाता है। तो अभी देखो ओपोनेंट के पास है और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या करता है, ओपोनेंट ब्रेक टू फिनिश मार लेता है कि नहीं। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा गलती, और यहाँ पर अभी क्या हुआ है, ये वाला, ये आप नूब हो तो यार आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे मिल गया है कि क्या है कि मुझे अभी कॉइन मिल रहा है ना, इसलिए देखो ये भी ब्रेक मिल चुका है। तो गाइज, ये उसको लाख कहते हैं। ये इतना बढ़िया वाला लेवल का मिस होना नहीं चाहिए था, फिर भी ये हो चुका था। तो ये उसका बैट लाख है और मेरा अच्छा लाख है, तो कोई बात नहीं। तो गाइज, ये जो है ना गाइज, आप लोग ये समझना चाहिए कि आप कितना गेम प्ले कर सकते हो, कौन सा वाला लेवल में गेम प्ले कर सकते हो, मुंबई में गेम प्ले कर सकते हो या न्यूयॉर्क में। तो आप वो समझना चाहिए यार, नहीं तो आप कभी भी विन करके गेम प्ले, ये बड़ा वाला गेम पे अनलिमिटेड कॉइन के बारे में तो सोचो मत। क्या है कि मैं 2 साल गेम प्ले किया था ऐसे ही। तो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है यार। मैं 2 साल गेम प्ले किया, मुंबई गेम प्ले किया, फिर क्या किया न्यूयॉर्क, कभी कभी मैं न्यूयॉर्क 4-5 गेम प्ले करने के बाद मैं क्या किया, जो न्यूयॉर्क 1 मैच प्ले किया। तो देखा ये भी मुझे आ रहा है। तो गाइज, मैं 2-3 मैच कंटिन्यू गेम प्ले किया, ऐसे करके मैं ऑल टाइम न्यूयॉर्क गेम प्ले नहीं करता था। फिर क्या किया है कि गाइज, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी न्यूयॉर्क में गेम प्ले कर सकता हूँ। तो आपके पास जो फेथ होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तो तब आप लोग क्या करना है कि बड़ा वाला गेम प्ले, न्यूयॉर्क वाला गेम प्ले स्टार्ट करना है। तब आप 2-1 साल गेम प्ले करो न्यूयॉर्क में। फिर क्या करना है कि गाइज,
सिंगापुर गेम प्ले करो। ऐसे गेम प्ले करोगी तो गाइज आपको कुछ भी फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोग सोच रहे कि नहीं मुझे तो और बड़ा वाला गेम प्ले करना है, तो गाइज ऐसे ऐसे करोगी तो आप कभी भी कॉइन बना भी नहीं पाओगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं गेम प्ले जैसे कर रहा हूँ, ये वाला ब्रेक देखना यार, तो अपोनेंट क्या करता है, ये मिस कर देता है। तो गाइज मैं उसको ब्रेक कैसे लगा लिया था देखो, तो ये आप लोग जानना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट प्रो लुक जितना है गाइज ये वो लोग ही समझता है, लेकिन आप लोग अभी तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों का क्या है कि जब तक आप लोग ज़्यादा गेम प्ले नहीं करोगे तो गाइज ये आप लोगों को आप लोगों ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार ये बोर्ड को मैं बहुत ही हार्ड था, पूरी तरह से मेरा पक फंस चुका था, लेकिन इस मैच को फिर भी मैं फिनिश कर लिया। तो गाइज ये आप लोगों को समझने में बहुत टाइम लगेगा, दो तीन साल लग जाएगा आप लोगों को। क्या है कि गाइज आप लोग जैसे ही देख रहे हैं कि लुलू से गेम प्ले कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ये आप लोगों का भी पता चल जाएगा। तो गाइज ये वाला मैच को भी मैं फिनिश कर लिया, और ये वाला मैच देख सकते हो कि कितना नर्वस मैं ये इसको फिनिश कर लिया। और गाइज अगला मैच जो है ये देख लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि मिनिमाइज़ करना है, फिर क्या करना है लीडर बोर्ड में या किधर भी जाके थोड़ा टाइम वेट करना है गाइज, और फिर और एक बार मिनिमाइज़ कर लेना है, तो ऐसे करके गेम प्ले करना है। तो गाइज ये देख सकते हो कि अभी देख लेते हैं कि ब्रेक किसके पास आता है। तो गाइज आप सिंगापुर गेम प्ले करने का टाइम आपका पास ब्रेक आता है तो आप ब्रेक टू फिनिश मारना है, अपोनेंट को चांस नहीं देने का, नहीं तो ये फिनिश कर लेगा। गाइज ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे अपोनेंट का पास फिर ब्रेक है, और देख लेते हैं कि अपोनेंट क्या करता है। तो गाइज ये आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे फ्रेंड लोग ये मिस कर रहा है, तो ये आप लोग मत सोच लीजिएगा कि मैं गेम प्ले करूँगा तो मुझे भी मिस मिलेगा और बहुत सारे कॉइन मुझे भी बनाने के लिए होगा। नहीं यार, ऐसे गेम प्ले आप देख सकते हो कि वो मिस कर रहा है, लेकिन आपके साथ गेम प्ले करेगा तो वो फिनिश मार देगा। क्या है कि गाइज ये जो लोग प्रो है तो इन लोगों को बस चांस मिलता है, ये नहीं है यार। तो क्या है कि कभी कभी उसका लक जो है गाइज ये लक दे देता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ भी ज़्यादा टाइम आप भी सिंगापुर गेम प्ले करोगे तो आपको भी ऐसे चांस मिलेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कैसे मिलेगा। तो आप भी देख सकते हो ये बोर्ड जो है ना गाइज बहुत ही हार्ड है, लेकिन इस बोर्ड को भी मैं फिनिश कर लिया था। तो आप लोग ये समझना चाहिए यार कि हम लोग कितना अभी गेम प्ले कर सकते हो, किस टाइप में गेम प्ले कर सकते हो, मुझे अभी कितना मुंबई में गेम प्ले कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये आपको थोड़ा फेथ होना चाहिए। तो आप लोगों में फेथ नहीं है और आप बड़ा वाला गेम प्ले कर लिया तो ये कुछ भी नहीं होगा, बस आपका नुकसान ही होगा, तो ये आप समझ चुके होंगे। तो गाइज ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइज ये ऑल टाइम विन कैसे करना है तो ये भी आप लोगों को पता चल चुका है, लेकिन ऐसे आप लोग नहीं गेम प्ले करना है गाइज, आप लोग फ्री स्टाइल में गेम प्ले कर सकते हो, उसमें आप लोगों को विन रेट जो है ये भी बहुत ही आसानी से जो नॉर्मल ब्रेक है ये भी आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये वाला मैच को भी फिनिश हो चुका है, तो चलता हूँ कि गाइज। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलता हूँ कि गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, दुआओं में याद रखना।